ये देखना नाइन शेयर पेपर एंड एप्लीकेशन द एक बार ये क्वेश्चन देखो आपके बुक में है है यहाँ पे नाइन शेयर है कोई कुछ और अमाउंट है एक बार चेक करके बताओ टेन है ना ये नाइन की जगह पे कंफर्म है ना ये टेन ही है ना ठीक है और ऑनर्स में बताओ है नहीं है चलो पहले क्वेश्चन समझेंगे क्योंकि मेन टाइम ना क्वेश्चन समझने में लग जाता है फिर आगे टू बी कंटिन्यू अगले पेज पे शुरू से कर लेंगे ठीक है क्या कहता है सर द फॉलोविंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है ये एक बैलेंस शीट है और ये पुराने डिजाइन में बैलेंस शीट है नए डिजाइन में नहीं है ये किस में ठीक है कहता है भैया हमारे पास प्रेफरेंस शेयर गिवन है कितने के लाख के और इक्विटी शेयर नौ लाख के सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमारे पास पहले से है जनरल रिजर्व हमारे पास पहले से है सर प्लस हमारे पास पहले से है लाइबिलिटी वगैरह का कोई काम नहीं होता इट वॉज डिसाइड तीस जून रिडीम प्रफरेंशर एट ए प्रीमियम फाइव परसेंट यानी कहने का मतलब है जो आपका टेन परसेंट शेयर कैपिटल है उसकी कीमत तो पांच लाख है इसके ऊपर फाइव परसेंट और मान लो तो पांच लाख का फाइव परसेंट कितना होगा पच्चीस हजार रुपए हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम जाने वाला है यही बनेगा हिसाब पांच लाख का पांच परसेंट ठीक है टू फाइनेंस अब देखो टू फाइनेंस द रिडम्पशन इसको रिडम्शन को वाले को पैसे देने के लिए टू फाइनेंस द रिडमशन इसका मतलब है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर उसको पैसे देने के लिए पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं था कि उसको पैसे देने के लिए क्या करें इसमें बोल रहा है देने के लिए उसने क्या करा सारे इन्वेस्टमेंट रिलाइज मार्केट वैल्यू सारे इन्वेस्टमेंट बेच दिए अब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है और था इन्वेस्टमेंट कितने का यानी तीन लाख वाला सामान दो अस्सी का बेच दिया कितने के नुकसान पे बीस हजार का तो जो इन्वेस्टमेंट है वो था तीन लाख का सोल्ड कर दिया टू एट्टी यानी ट्वेंटी थाउजेंड का यहाँ लग गया लॉस जो कि हमारा लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में से कंपनसेट करना पड़ेगा इसको और इसने दस हजार इक्विटी इशू किए जो एट टेन पर शेयर शन तो भाई साहब हमें टोटल जरूरत है कितने की पांच लाख की कैसे पांच लाख की ये रहा जिसमें से हमने दस हजार इक्विटी शेयर और दस यानी एक लाख का तो इक्विटी शेयर इशू कर दिया अब हमें चाहिए कितने चार लाख जिसके लिए हमारे पास एक ही और एक ही मतलब बनता है क्या बना लो सी बना लो ये समझ में आ रही है बात आपको द कंपनी ऑल्सो इशू टेन थाउजेंड डिवेंचर सौ रुपए का एक तो भैया कंपनी ने एक तो इक्विटी तो 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 शेयर भी इशू किया और तो क्या डिबेंचर का कोई मायने रखता है ये क्वेश्चन करा तो नहीं दिया मैंने ऐसा था ना ये नहीं था ठीक है चलो तो डिबेंचर भी किए तो सर डिबेंचर का इन दोनों के कैलकुलेशन सीआरआर के कैलकुलेशन से कोई लेना देना वहां पे सिर्फ कौन सी कैलकुलेशन जाएगी इक्विटी और प्रफेंशियर आगे कहता है फर्स्ट अगस्त को द कंपनी मेड अ बोनस इशू वन इक्विटी अब देखो यहाँ पे डेट दिया कंपनी ने कब बोनस इश्यू डिक्लेयर किया एक अगस्त को किया ठीक है और यहां तो तो अंदर नए वाले शेयर ऑटोमेटिक फ्रेश इश्यू जो हमने किया दस हजार वो इंक्लूड हो रहे हैं यहां पे द कंपनी मेड बोनस इशू वन इक्विटी शेयर एवरेज टू इक्विटी शेयर यानी इस दिन जितने भी शेयर हैं सभी को बोनस मिलेगा तो इस दिन देखा जाए तो ये जो फ्रेश इशू है कब हो चुका है ये फ्रेश इशू तीस जून और बोनस पहले से हमारे पास कितने थे इक्विटी शेयर कैपिटल पहले से नौ लाख के थे और फ्रेश इशू किस डेट पे किए हैं सर हमने तीस जून को कितने का सर एक लाख का टोटल दस लाख का हो गया और बोनस किस दिन दिया है हमने बोनस दिया है हमने एक अगस्त तो इस डेट पे तो ये दोनों ही है तो अब बोनस में नौ लाख वाले को दू कंपेरिजन जो काउंटिंग करूं या दस लाख पे काउंटिंग करूं बताइए कहता है एक अगस्त को बोलता है भाई साहब जितने भी तुम्हारी कंपनी में शेयर है सबको बोनस दूंगा तो एक अगस्त वाले दिन देखा जाए तो पुराने वाले तो रहेंगे रहेंगे नए भी उस दिन है हमारे पास तो यानी अब जो बोनस इशू होगा किसको होगा दोनों को मिला के होगा ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स है जो कि एग्जाम में हम गलती करके आगे बढ़ जाते हैं और सोचते हैं कि हमें इसके मार्क्स मिल जाएगा दे देगा यार इतनी सी तो गलती है लेकिन ऐसा नहीं होगा इस बात को ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है हमें आगे क्या कहता है इट वॉज ऑल्सो डिसाइड उसने डिसाइड किया ओनली मिनिमम रिडक्शन इज द मेड इन द रेवेन्यू रिजर्व यानी भैया हम सारे यूज करेंगे ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू रिजर्व को जितना मर्जी इस्तेमाल करो कम से कम इस्तेमाल करके दिखाओ

रिजर्व का अगर मैं कैलकुलेशन यहाँ रखूँ मैं यहीं कैलकुलेशन कर लेता हूँ यानी ये इसके अंदर ना पहले क्वेश्चन समझना है समझने के बाद तो मैं फटाफट फटाफट जनरल एंट्री करते जाना है चार पाँच जनरल एंट्री होनी है आ, तीन से चार जनरल एंट्री हमारी होती है किस चीज़ की इशू की रिडम्पशन की बस एंट्री में कोई ज़्यादा है नहीं दिक्कत मेन है कॉन्सेप्ट समझना तो सर हमारे पास पहले से जो फ्री रिजर्व है पहले वो चेक कर लो कितने हैं सर मेरे पास जनरल रिजर्व है कितने रुपए का साढ़े सात लाख सरप्लस दो लाख बोला इसको कम से कम इस्तेमाल करना यानी साढ़े नौ लाख हमारे पास फ्री रिजर्व है अब देखा जाए सिक्योरिटी प्रीमियम में एक लाख है और सिक्योरिटी प्रीमियम पेमेंट कितना करना है हमें सिक्योरिटी प्रीमियम अगर पेमेंट करने की बात करें तो पच्चीस हजार फिर भी हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने बच गए तो ये सेवेंटी फाइव कहाँ यूज कर लेंगे बोनस में यानी ये भी जीरो कर दिया हमने ठीक है Now, अब CRR में कितने पड़े हैं चार लाख अब बोनस इशू का हिसाब किताब लगाते हैं भैया बोनस कितने होंगे तो बोनस इशू हमारे पास हो नब्बे पहले, तो पहले से था और दस हजार बाद में कर दिया हमने है ना एक लाख हो गया और बोलता कितने शेयर बोनस देगा वो वन इक्विटी शेयर एवरी टू तो वन बाय टू यानी हमने पचास हजार बोनस इशू किए हैं तो पचास हजार के लिए बोनस इशू के लिए फंड कितनी जरूरत पड़ेगी सर बोनस के लिए इशू फंड की जरूरत पड़ेगी कितनी पांच लाख पांच लाख में से हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होगा कितना यूज होगा साहब सिक्योरिटी प्रीमियम सेवेंटी फाइव उसके बाद हम सी आर आर यूज कर लेंगे कितना यूज करेंगे सी आर आर क्योंकि चार ही बनेगा ना सी आर आर तो और बोल रहा है अब और कुछ भी है हमारे पास यूज करने लायक क्या क्या हमने डिबेंचर को भी प्रीमियम पे तो इश्यू नहीं किया ये चेक कर लेंगे नहीं किया सर अगर प्रीमियम पे करते तो ये प्रीमियम भी इस्तेमाल और अब हमारे पास क्या है इसके बाद हम बाकी का अब कुछ बच नहीं रहा तो हमें जनरल रिजर्व ही लेना पड़ेगा दैट इज कितना पच्चीस हजार तो पच्चीस हजार बोनस में निकल गए माइनस सीआरआर में निकल गए चार लाख माइनस प्रॉफिट एंड लॉस भी कर बैठे थे हम बीस हजार का इन्वेस्टमेंट बेचने में तो वो भी यहां से क्या होगा माइनस तो अब प्रॉपर आपको क्वेश्चन को अगर मैं पार्ट में बांटू तो सबसे भैया पहले हमें पांच लाख रुपए फेस वैल्यू चाहिए एक लाख का फ्रेश इशू चार लाख का सीआरआर जनरल रिजर्व की बात करें तो जनरल रिजर्व में से हमारे चार के सीआरआर निकल गए और हमें तो बोनस शेयर का हिसाब किताब लगाए तो पच्चीस हजार बोनस शेयर वालों को देना है और तो फिर हमारे जनरल रिजर्व में हमारे पार्ट कितने हो जाएंगे कम होते जाएंगे ठीक है अब हम अगले पेज पे जनरल एंट्री करते जाएंगे फिर से आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगले पेज पे आ जाइए जनरल एंट्री में पहली एंट्री आपके पास दो जगह पैसे हैं तो ध्यान से इस्तेमाल करना सरप्लस में दो लाख साढ़े सात तो मैं जनरल रिजर्व यूज कर लेता हूं पहले तो जनरल रिजर्व टू चार अब क्वेश्चन में देख लेते हैं वो जनरल रिजर्व मिनिमम यूज करने को बोल रहा था या फिर रिजर्व एंड सरप्लस कहता है कि रेवेन्यू रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व के अंदर सब कुछ आ जाता है जनरल रिजर्व भी और सरप्लस तो यहां मेरे पास बाउंडेशन नहीं था तो मैंने कर लिया नंबर दो अब फट फटाफट से फ्रेश इशू कर दें बैंक टू इक्विटी कितने का एक लाख अब फटाफट से इन्वेस्टमेंट बेच दें बैंक सरप्लस ये सरप्लस की जगह पे पी एंडल कर दें स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस टू इन्वेस्टमेंट तीन लाख और दो चलिए जी उसके बाद हुँ? बुला ले प्रिफरेंस शेयर होल्डर को कितने परसेंट प्रिफरेंस शेयर होल्डर है भाई दस परसेंट आ जाओ भाई टेन परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या सिक्योरिटी प्रीमियम जी हाँ किसको देंगे बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये कैलकुलेशन बेस्ड है बच्चे कुछ बोलते हैं सर चार एंट्री याद कर लो हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए पेमेंट कर दिया जाए अब हमारे पास पैसा ना सिर्फ दो अस्सी तो आया था भैया मुझे याद है इन्वेस्टमेंट बेच के बैंक में भी चेक कर लो पैसा नहीं हुआ तो लोन ही लेना पड़ेगा दो अस्सी और यहाँ पे पड़े हुए हैं हमारे पास एक पचहत्तर एक अस्सी पैसे ही नहीं है चार साठ पड़े टोटल तो बैलेंस डिफरेंस क्या लेना पड़ेगा लोन क्योंकि बैलेंस शीट तो बनाना है ना हमें तो बाकी का हम बैंक ऑफर में डालेंगे ठीक है ना बाकी किस में डाल देंगे हम तो कितना बैंक ओवरड्राफ्ट में माइनस में कर देते हैं हम पांच पच्चीस मैं बताऊंगा कैलकुलेशन पैंसठ हजार रुपये का बैंक ओवरड्राफ्ट भी आएगा हमारा ठीक है चलिए यह भी हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ कर दें एस पी टू एस पी कितने लो जी ये खत्म हो गया इसके बाद बोनस इश्यू कर दें सर सिक्योरिटी प्रीमियम सी आर आर जी आर टू बोनस इशू सिक्योरिटी प्रीमियम कितने हैं सी आर आर ये टोटल हो गए पांच अगर जिसको बोनस इशू का कैलकुलेशन नहीं समझ में आया तो टोटल नंबर कितने थे नब्बे हजार प्लस में इशू किया दस हजार टोटल हो गए हमारे एक लाख एक लाख इंटू में कहता है दो वालों को एक देंगे तो डिवाइडेड दे बाई दो इन में एक तो नंबर ऑफ शेयर आए पचास हजार तो बोनस इशू हो गए सर पचास हजार और इन में दस रुपए का एक शेयर रहेगा तो हमारा हो गया तो उस पांच लाख का इंतजाम ऐसे किया है ना आगे आते हैं सर बोनस इशू टू शेयर कैपिटल कितने पांच लाख अब बैंक से लोन भी ले ले बैंक टू बैंक लोन ये एंट्री बहुत बच्चे छोड़ देते हैं एग्जाम में फिर बैलेंस शीट मैच भी नहीं होता इसकी वजह से ना पैंसठ हजार सर एक बार इसकी पैंसठ हजार की जानकारी दे दो सर पहले से हमारे पास ना बैंक में पैसा है वन सेवेंटी फाइव और कैश में है पाँच तो टोटल से है एक अस्सी जिसमें से हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया वहां से आए दो अस्सी तो नाव हमारे पास अवेलेबल वैल्यू हो गया आठ आठ सोलह चार लाख साठ हजार नाव हमें पेड जो करना है वो करना है पाँच लाख पच्चीस हजार अरे एक बात तो भूल ही गए हमारे पास शेयर से भी तो एक लाख आया होगा तो फिर ओडी तो लेनी नहीं पड़ेगी एक बात तो भूल ही कहते हैं हमारे पास इक्विटी शेयर से भी पैसा आया एक लाख हमारे पास इन्वेस्टमेंट बेच के दो अस्सी तो टोटल कितने हो गए बहुत पैसा हो गया अब तो हाँ नहीं इतने पैसे हो गए कि हमें दिक्कत नहीं पड़ेगी साठ एक अस्सी दो अस्सी एक लाख हाँ पाँच लाख कितना हो गया सौ ये ना नीचे कमेंट भी पता नहीं कहा जा रहा है यहां तक देख लीजिए पहले फिर बैलेंस शीट का नंबर लगेगा बस अगर यहां तक क्लियर है तो ओके कौन सी वैल्यू नहीं दी है नई वाली नहीं दी है तो हमें तो बनानी पड़े बुक में कहा है लास्ट में देखो ना क्या बोल रहे हैं करने को हाँ इसमें दिखाओ नई बैलेंस शीट देगा तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं बनानी भाई देखो

आ, बच्चों का कहना है सर एक बार बोनस फिर से बता दो ठीक है बोनस एक बार और बता देते हैं चलो अगले पेज पे बोनस जब तक समझ में नहीं आता तो बोनस में क्या था क्वेश्चन ने कहा था कि हम बोनस देंगे वन शेयर एक शेयर दे देंगे फॉर एवरी टू शेयर और बोनस शेयर के लिए पहले से हमारे पास बैलेंस शीट में मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि बैलेंस शीट आपके सामने रहे क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो साहब क्वेश्चन में पहले से हमारे पास पचास हजार प्रेफरेंस थे और नौ यानी ओल्ड इक्विटी शेयर थे हमारे पास नौ लाख तो ये रुपीस के टर्म्स में था लेकिन नंबर के टर्म्स में होगा नब्बे हजार और हमने फ्रेश इश्यू किया था जो कि था दस हजार शेयर जो कि क्वेश्चंस में खुद गिवन है दैट इज आपका ये वाला तो आपके पास टोटल एक लाख शेयर हो गए और अगर बोनस इश्यू नंबर निकाले बोनस का नंबर निकाले तो क्या आएगा सर एक लाख शेयर है डिवाइडेड बाई टू क्योंकि दो के बदले एक है और इनटू में एक तो नंबर निकल के आया तो, तो दैट इज पचास हजार निकल के आया नंबर रुपीस के टर्म्स में इंटू दस तो कितने हो गए पांच लाख में से सीआरआर हमारे पास ऑलरेडी है चार लाख का अब एक लाख की जरूरत है जिसमें से एसपी हमारे पास पड़ा हुआ है सेवेंटी फाइव क्योंकि एक लाख का एसपी था क्वेश्चन में जिसमें से पच्चीस हजार तो रिडम्पशन पे ही दे चुके थे अब बच गए हमारे पास सर पांच लाख को पूरे करने में दैट रिजर्व हमने पूरे इसको पूरे करने के लिए पच्चीस हजार की जो शॉर्टेज पड़ी इन सबको जोड़ के वो जनरल रिजर्व में से डाल समझिए पहले बोनस का पंगा क्लियर है पिछहत्तर कैसे आया बोनस में क्लियर हो गया सभी को आ जाए क्वेश्चन पे बैलेंस शीट पे आ जाए चलो बैलेंस शीट तो मैंने बना ही रखा है तो मेरे लिए तो काम आसान है आपको नोटिंग में टाइम लगेगा बैलेंस शीट पे आ जाइए सर मैंने एक बार पूरा बना लिया तो इसी को कार्ड पीट करके कॉपी ओपी करके मैं चलाता रहूंगा काम तो आ जाओ एंट्री बैलेंस शीट बनाते टाइम पे आपको पूरे दिमाग में एज इट इज ना एंट्री याद होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें बिका क्या क्या नहीं बिका तभी आप बैलेंस शीट को बहुत अच्छे से सेट कर पाओगे यानी क्वेश्चन करने का मतलब पता ही क्या है बहुत बच्चे पढ़ाई करेंगे ना ये कॉर्पोरेट अकाउंट चाहे कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर कर रहे हो तो सारा दिमाग आपका यहाँ होना चाहिए क्वेश्चन शुरू से लेके क्वेश्चन एंड तक आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट से लिंक रिजर्व में भी कुछ हो रहा था अरे अरे प्रेफरेंस शेयर में भी हुआ इक्विटी में भी हुआ इन्वेस्टमेंट भी बिक गया कैश का भी ट्रांजेक्शन किया पेमेंट तो सारी चीजें माइंड में होना चाहिए अगर आप कहीं और सोच के पढ़ रहे हो ना कि भाई चल यार क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन देख लेते हैं पढ़ लेते हैं तो नेवर आप कभी नहीं कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चन को फिर गलत ही होना है वो पूरा फोकस मतलब आपके माइंड में और दूसरे कोई भी पॉइंट्स नहीं होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन चलना चाहिए आपके माइंड में चलिए आपके लिए क्वेश्चन साइड में लगा लेते हैं सो so दैट थोड़ा सा इजी हो जाए ये लीजिए अब इसके लिए नोट बनाना पड़ेगा तो नोट बना लेंगे हम ये लीजिए अब सबसे पहले आ जाते हैं ये नोट हटाया क्योंकि नोट के नंबर चेंज हो जाते हैं पहला पॉइंट हम बना देते हैं नोट नंबर वन दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल एक बच्चे ने बोला सर बुक के अंदर ना ऐसे दे रखा है क्या हम ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हो एक लाइन बुक वालों ने खींचा नीचे तक ड्रैग कर दिया बुक वालों ने और जैसे जैसे उसको बुक वाले को सुविधा के हिसाब से वो यूज करते जा रहे हैं और यहाँ कट लगाते जा रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल कितने हैं सर नौ लाख मैं कुछ डिटेल्स इसमें नहीं लिख रहा क्योंकि इसका एक्चुअल नोट बनाना सिखाऊंगा मैं फाइनल अकाउंट में ऑथराइज कैपिटल इशू सब्सक्राइब इस तरीके से ठीक है ना तो अभी इक्विटी शेयर कितने हैं एक लाख प्लस में क्या कर दोगे सर बोनस कितने पांच लाख तो भाई साहब ये कितने हो गए पंद्रह लाख अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे आ जाते हैं कितने थे पाँच लाख लेस कर दिया हमने रिडीम पांच लाख तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने आ गए ये लो जी नोट नंबर वन पूरा किया मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल पंद्रह लाख किसी को दिक्कत क्लियर है अब अगला नोट किसका बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस तो यही बना लेंगे नोट नंबर टू रिजर्व सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम है एक लाख माइनस कर देंगे रिटर्न ऑफ पच्चीस हजार माइनस कर देंगे बोनस सेवेंटी फाइव तो सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या बचा जीरो आ जाते हैं जनरल रिज़र्व कितने थे सात लाख पचास हजार माइनस कर देते हैं यहां पे से सी आर आर चार लाख माइनस कर देते हैं यहां पे से बोनस कितने पच्चीस इसके बाद सरप्लस सरप्लस कितने का था सर दो लाख इसमें से माइनस कर देंगे लॉस बीस हजार तो ये बच गया एक अस्सी अभी ये कितने बच हाँ टोटल कर देंगे क्या सी आर आर भी आएगा यहाँ पे बताइए सी आर आर कितने का बनाया था क्या वो सीआरआर यहाँ आएगा जैसे पहले बैलेंस शीट में हम लेते थे बताइए दिखाऊं पुराना क्वेश्चन कंफ्यूज किया जाए आपको ये देखो इसमें हमने फिर जोड़ के लिखा था याद है आ आज अब इसमें बता दीजिए सीआरआर आएगा कि नहीं आएगा क्योंकि सीआरआर घटा तो दिया क्या जोड़ना भी है ये सीआरआर मैंने माइनस किया रिजर्व में से यहां लिख लिया दिखा दो पिछला दोबारा एक बार थोड़ा सा सोच लो समझ लो जितने बच्चे लाइव हैं वो भी देख लें कंपैरिजन जितना बढ़िया रहेगा वो फायदा रहेगा यहां पे मैंने सीआरआर एक जगह देखो और एक जगह लिखा है ना चलो यहाँ पे बताओ अब यहाँ पे मैंने दिखा दिया था क्वेश्चन जानना चाहता हूँ यहाँ पे कुछ होगा सी आर आर का सी आर आर कितना क्रिएट करा हमने सी आर आर कितना खत्म कर दिया तो सी आर आर क्या बचा हमारे पास तो क्या बैलेंस शीट में दोबारा से सी आर आर एड होगा नहीं होगा ठीक है ना अब बैलेंस शीट में सी आर आर का कोई मतलब क्योंकि सी आर आर हमारे पास क्योंकि वो बोनस के फॉर्म में निकल चुका है अगर बोनस नहीं होता तो आता सी आर आर हमारा समझे बात दोनों क्वेश्चन कंपेयर करा दिया जिसमें मिस्टेक्स करते हैं बच्चे एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं यार एक क्वेश्चन कर लिया है चलो अब इसके जैसे सारे क्वेश्चन कर ही लूंगा मैं वहां पे सी आर आर एक बार प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे टोटल टोटल कर देंगे लास्ट तक बैलेंस शीट मैच नहीं होता बोलते हैं परेशान रहते हैं फिर वो ठीक है चलिए सर इसका मतलब ये कितना आ गया हमारा पांच लाख पांच हजार नोट नंबर टू ठीक है सर लॉन्ग टर्म बोरइंग था नहीं तो मैं इसको डैश डाल देता हूँ ठीक है था ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन में कहीं दे ही नहीं रखा अरे डिबेंचर इशू था वो तो भूल ही गए जर्नल एंट्री में देखा बैलेंस शीट से देखा एक फायदा हुआ एक एंट्री गलत करते करते भूल गए तो बैंक मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूँ टू कितने परसेंट डिबेंचर है भूल गए डिबेंचर किसी ने कमेंट में भी नहीं बताया भाई बच्चे भी ध्यान से नहीं कर रहे बारह परसेंट डिवेंचर और कितने दस हजार और सौ रुपये का एक दस लाख का टू ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर दस लाख का पैसे की तो कमी नहीं है पैसा ही पैसा है पहले तो हम सोच रहे थे कि भाई लोन लेना पड़ सकता है लेकिन तो अब तो ऐसा है ही नहीं पैसा दस लाख यहां भी पड़े हमारे पास ठीक है चलो जी आ जाते हैं सर डिबेंचर कितने आ गए मैंने गैप छोड़ दिया था लेकिन अब गैप नहीं छोड़ेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग लेकिन अब जब कुछ नहीं लिखना तो इसके ब्रैकेट में मेरे पास जगह नहीं है लेकिन लिखना पड़ेगा आपको ऐसे ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर नोट नंबर थ्री नोट नंबर थ्री नहीं डाल रहे हम इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं समझे अब अदर करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी दे रखा है आपको दैट इज आपका सीधा करंट लाइबिलिटी है चार लाख तो नाव ये सब ट्रेड पेबल वेड पेबल छोड़ो हटाओ सिर्फ डायरेक्टली क्या कर लो चार लाख इसको नहीं ले आते हैं सर ये भी हो गया ये भी हो गया इसका भी हिसाब हो गया इसका भी हो गया इसका भी, भी लाइबिलिटी खत्म कर लिया स्टॉक में आ जाओ फिक्स एसेट्स तो फिक्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट होता है इस पर कुछ हुआ ही नहीं सर तेरह लाख सत्तर हजार इन्वेस्टमेंट बचा ही नहीं है ना इन्वेस्टमेंट बचा ही नहीं बताओ इन्वेस्टमेंट investment... तो कितना आएगा सर जीरो क्योंकि इन्वेस्टमेंट बचा ही नहीं इन्वेस्टमेंट तो बिक चुका और वैसे यहाँ पे लिखा भी नहीं है अब आ जाते हैं सर और क्या दे रखा है ये कर लिया ये तो कट गया स्टॉक इन्वेंट्री इन्वेंट्री कितने का है सर नौ लाख ,00 का तो इन्वेंट्री मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है दैट इज नौ लाख इन्वेंट्री के बाद आ जाओ डेटर डेटर ट्रेड रिसिवेबल का पार्ट है कितने का है एक लाख ,00 का तो ट्रेड रिसिवेबल में एक लाख रुपए का सबसे मेन कैश एंड कैश सिक्यूलेंट का होगा तो सर यहां पे नोट बनेगा एक कैश एंड कैश इक्वलेंट सर सबसे पहले हमारे पास कैश एट बैंक है कैश इन हैंड कर देता हूं ठीक है पहले क्योंकि उसका कुछ यूज ही नहीं करेंगे अब हम कैश इन हैंड कितने हैं पांच हजार अब आ जाओ कैश एट बैंक कितने का है वन सेवेंटी फाइव सर अब इसमें प्लस करते जाओ फ्रेश इशू का इक्विटी शेयर कैपिटल एक लाख फिर से प्लस कर दो फ्रेश अब सर कितने का दस लाख फ्रेश कर दो इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू एटी अब पहले टोटल पैसा देख लो है कितना बैंक में आपके पास तो बैंक में है बैंक की बात कर रहा हूँ मैं कैश को मैं अलग ही लिख दूंगा वन सेवेंटी फाइव वन लैख दस लाख एक लाख नहीं वन सेवेंटी फाइव दस लाख टू ये पंद्रह लाख पचपन हजार लेस कर दो शेयर होल्डर को पेड किया कितने पाँच लाख पच्चीस हजार माइनस पाँच पच्चीस ये आ गया सर दस लाख तीस हजार और पांच हजार ये था टोटल क्या बन गया दस पैंतीस टोटल ना अब ये उठ के आ जाएगा यहाँ पे दस पैंतीस बुक में भी जिसके आंसर दे रखे हैं चेक कर लीजिए चलिए सर पंद्रह लाख चार चौंतीस पचास चौंतीस लाख पाँच हजार इसका भी देख लो तेरा सत्तर नौ लाख एक लाख चौंतीस पांच अब बुक का भी चेक कर लो आप समझ में आया तो मेरे हिसाब से वो जो फाइनल अकाउंट पे हम बनाते थे ना ग्यारहवीं बारहवीं में उससे आसान बैलेंस शीट है ये रीजन हमें कुछ एक पार्टी तो चेंज करने हैं लेकिन वो चेंज आपको याद होना चाहिए कहीं एक भी आपने मिस्टेक कर दिया कैश में लिखना भूल गई ये इन्वेस्टमेंट लिखना भूल गया फिर परेशान हो गया यार मैच क्यों नहीं हो रहा मैच क्यों नहीं हो रहा भले ही आपने जर्नल एंट्री कर रखा है तो फिर गलत हो जाएगा या फिर रिजर्व में आपने सही से माइनस प्लस नहीं किया फिर परेशान रहोगे यार रिजर्व में क्यों नहीं कर पाए क्या हो गया नहीं हो गया तो ये फाइनल है और ये अगर मैं ये पूरे क्वेश्चन को बोलूँ अठारह का है अगर इसी तरीके से मैं करता हूँ तो मुझे अठारह नहीं मिलेंगे मुझे दस ही मिलेंगे फॉर्मेट प्रॉपर फॉलो नहीं किया मैंने यानी यहाँ पे प्रॉपर इक्विटी शेयर कैपिटल बहुत सारे एब्रीबेशन यूज किए हैं जो कि बच्चे क्या करते हैं कई बार मैं क्लास में कराता हूँ ना तो बच्चे भी पेपर में यही फॉलो करके आ जाते हैं तो ये सिर्फ क्लास में मैं बताता हूँ मेरा काम है क्या आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हाउ टू अटेंड बाकी प्रजेंट एक क्वेश्चन मैंने बता दिया तो आपको सारे क्वेश्चन में वही फॉलो करना है समझ में बात आपको तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे भले ही देखो पूरे कुछ आंसर ठीक है लेकिन दस नंबर से ज्यादा हमें नहीं मिलेगा उन्नीस में से हाँ फॉर्मेट प्रॉपर लिखा डेट प्रॉपर लिखा जैसे बैलेंस शीट के नीचे लिखते हैं हम डेट या तो देखो मैंने बैलेंस शीट बस लिख के छोड़ा हुआ है डेट भी आना चाहिए इसके बाद यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चीजें होगी और जनरल एंट्री में प्रॉपर बींग होगी प्रॉपर एल एफ लिखा होगा सब कुछ लिखा होगा तब जाके आपको उन्नीस में से उन्नीस मिलने वाला है एक्यूरेट हुआ तो ठीक है तो ये क्वेश्चन हमने एक और ट्राई कर लिया जिसके अंदर आपने यहाँ पे क्या सीखा सर के प्रेफरेंस शेयर के साथ बोनस शेयर भी इंक्लूड हो गया और यहाँ पे एक बात कही थी मिनिमम नंबर ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस यूज करना तो बस उसको हम एक कैलकुलेशन के फॉर्मेट में समझ जाते हैं अगला कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आता है मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करना ठीक है मिनिमम उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट निकल के आएगा इसके अंदर सर क्या निकल के आएगा मिनिमम नंबर में ही को ही आप सॉल्व करके दिखाइए इक्वेशन मेथड से फिर लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें बसता है एक कन्वर्जन मेथड कन्वर्जन का मतलब होता है जब आप अपने प्रेफरेंस शेयर को या फिर डिबेंचर को कन्वर्ट कर देते हो किसी और पार्ट में छोटा सा एक टॉपिक बन जाता है हमारा किसका कन्वर्जन का आपके बुक में होगा दो तीन क्वेश्चन होंगे आगे चल के देखोगे तो कन्वर्जन वाला भी आपको मिल जाएगा समझ रहे हो बात को यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो क्लियर है ठीक है